अब आपको भारत चीन टकराव से जुड़ी 25 अहम खबरें दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। जम्मू कश्मीर में एक और पुलवामा अटैक की साजिश सुरक्षा बलों ने नाकाम की है। करेवा इलाके में सिंटैक्स टैंक से 52 किलोग्राम विस्फोटक और 50 डिटोनेटर बरामद किया गया। आर्मी चीफ एमएम नरवणे दो दिन के दौरे पर पहुंचे श्रीनगर, एलओसी का लिया जायजा, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से की मुलाकात। विदेश मंत्रालय ने कहा हम आशा करते हैं कि चीन एलएसी का पूरी तरह से सम्मान करेगा और एक तरफा तरीके से यथास्थिति बदलने की कोई और कोशिश नहीं करेगा। चीन ने माना गलवान में उसके जवानों की मौत हुई थी, हालांकि संख्या अभी भी नहीं बताई है। इमरान सरकार जल्द गिलगित बल्टिस्तान को 5वें राज्य का दर्जा देगी, मंत्री ने कहा नवंबर में यहां चुनाव होंगे। एससीओ की एनएसए की मीटिंग में गलत नक्शा दिखाने पर रूस ने पाकिस्तान को लगाई फटकार, बहुपक्षीय बातचीत में पाकिस्तान को अपना एजेंडा ना चलाने की दी हिदायत। अमेरिका ने चीनी जासूसी रैकेट का भंडाफोड़ा, भारत में जासूसी करने के आरोप में 5 चीनी नागरिक पकड़े गए। सरकार के कोरोना रवैये पर लापरवाही को लेकर वुहान में लोग चीन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भारत की एलएसी पर ताबड़तोड़ तैयारी, -50 डिग्री में भी तैनात रहेंगे 20,000 जवान, कड़ाके की सर्दी में भी करेंगे देश की रक्षा। पाकिस्तान ने संसद में आतंकी अड्डों की संख्या बताई, जमात उद दावा जैश की संपत्ति की डिटेल संसद में पेश, जमात उद दावा और जैश की 964 संपत्तियां फ्रीज। एफएटीएफ के खौफ से बैकफुट पर आया पाकिस्तान, आतंकियों की जब्त प्रॉपर्टी में 10 बोट भी शामिल, पीओके में भी जब्त हुई प्रॉपर्टी आतंकी अड्डों का सबूत। एसटीएफ की टीम ने पाकिस्तानी सेना के लिए जासूसी करने के आरोप में मिलिट्री इंजीनियरिंग विंग के जयपुर में तैनात एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। भारतीय समुद्री सीमा में चीन की साजिश का खुलासा, पिछले महीने घुसा था चीनी जहाज, भारतीय नेवी ने किया था चीन की कोशिश को नाकाम। राज्यसभा में राजनाथ सिंह का बयान, चीन एलएसी को नहीं मानता, उसकी कथनी और करनी में अंतर है। एलएसी पर भारत की तैयारी से खौफ में चालबाज चीन, भारत की तैयारियों को बताया अधूरा, ग्लोबल टाइम्स ने कहा सेना की तैयारी मनोवैज्ञानिक बढ़त की कोशिश। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के आतंकियों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकी मरे, सीआरपीएफ का एक डिप्टी कमांडेंट घायल। भारत ने चीन को फिर दिया संदेश, कहा तनाव कम करने के लिए गंभीरता से करें डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया का पालन। ब्रिक्स देशों के एनएसए की वर्चुअल बैठक में क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई, भारत चीन के एनएसए भी हुए शामिल। चीन अमेरिका में जल्द हो सकती है सीधी लड़ाई, भारत चीन की जंग में अमेरिका भी ले सकता हिस्सा। पाकिस्तान आर्मी के पूर्व जनरल नदीम लोधी का बड़ा बयान, इस साल के अंत तक पाकिस्तान पर हमला करेगा भारत, तब तक भारत के पास S-400 भी आ जाएगा। चीन के कहने पर एलओसी पर पाकिस्तान की फायरिंग, एलओसी पर पाक ने 2 सेक्टर में बनाया युद्ध का माहौल। चीन में अब बैक्टीरियल बीमारी का फैलाव, ब्रुसेला बैक्टीरियम से करीब 5,000 लोग हुए बीमार, बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी में लीक हुई है ये घटना, जानवरों से आदमियों में फैलता है बैक्टीरिया। एलएसी पर लाउडस्पीकर बजाने के मामले में ग्लोबल टाइम्स का दावा, भारतीय मीडिया की अटकलें गलत, भारतीय सेना हर तरफ से घिरी हुई। नेपाल ने फिर छेड़ा नक्शा विवाद, विवादित नक्शे को स्कूली पाठ्यक्रम में किया शामिल, 2 रुपए के सिक्के पर अंकित करने का किया फैसला। निजी कंपनियों के पीछे पड़े जिनपिंग यूनाइटेड फ्रंट की भूमिका में किया विस्तार, विदेशी कंपनियों पर जिनपिंग चाहते हैं नियंत्रण। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर, सपने टूटे आपके न घर के न घाट के, देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे, फिक्र आपकी